ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 18 सितंबर 2020, फ्राइडे है, सुबह के 8:42 हो रहे हैं। कल वीकली एक्सपायरी का दिन था और वेनसडे को फेड रिजर्व का आउटकम आया, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में एक कमजोरी देखने को मिली। तो आज हफ्ते के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा, क्या इंट्राडे लेवल्स होंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 17 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,571। तो जैसे कि ग्लोबल मार्केट के कल हालात थे, मार्केट ओपन होने से पहले काफ़ी कमजोर थे, तो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो। तो एग्जैक्ट यहाँ पर ये गैप डाउन ओपन हुआ और सेकेंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस करके बाउंस बैक हुआ। और जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था वो पास्ट में, अगर कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये जो ब्रेकडाउन लेवल था ये पास्ट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो अभी ये फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम कर सकता था। इसके लिए इसको ब्रेकडाउन लेवल हमने यहाँ पर मार्क किया था। तो जैसे ही यहाँ से ये नीचे से ऊपर आया तो इसने एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया। तो यहाँ पर फिर से जब ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ तो 11,548 ये फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट 11,526 ये भी अचीव हुआ। काफ़ी देर सेकेंड टारगेट के पास ये पेनेट्रेट कर रहा था। इसको ब्रेक करने के बाद ये और भी टूवर्ड साउथ की तरफ आया, जो अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट निकल रहा था 11,501 के पास, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट किया और ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के और फर्स्ट थर्ड टारगेट के बीच में यहाँ पर आके ये क्लोज हुआ है। तो काफ़ी प्रेशर कल मार्केट में देखने को मिला था। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 25 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल लगातार दूसरी दिन अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिली, नासडैक 140 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। एशियाई बाजार देखें तो एसजीएक्स निफ्टी हालांकि 20 पॉइंट्स की हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स में भी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल एशियाई बाजार देखें तो इस समय पॉजिटिव मोमेंटम में है। डाउ फ्यूचर को देखें तो 53 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो ये ग्लोबल मार्केट के हालात इस समय। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। एक बार मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। ये सितंबर का मंथ चालू है। अगर लास्ट ये 4 मंथ आप देखें तो कंटिन्यूस यहाँ पर हायर हाई हायर लोज का पैटर्न बन रहा है, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो जो है इसके ऊपर जाके नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो बन रहा है। तो ये अपसाइड अप ट्रेंड का पैटर्न यहाँ पर कंटिन्यू बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी सितंबर में देखें तो आज का डेट है 18 सितंबर, आधा मंथ बीत चुका है, लेकिन इसने अभी तक प्रीवियस हाई या फिर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है, यानी यहाँ पर ट्रेंडलेस एज पर लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट से देखें तो ट्रेंडलेस मार्केट है। यहाँ पर मार्केट जो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो है इसी के रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो बेरिश कैंडल है इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स मंथली चार्ट में, और प्रीवियस कैंडल का हाई अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ही यहाँ से हमें टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जबरदस्त अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है तो एज पर मंथली चार्ट ये 20 EM है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट में किस तरह से इसने यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। ये देखिए ये जो पिंक लाइन है ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है तो। ये अभी फिलहाल 10,900 के पास है, तो एज पर मंथली चार्ट 10,900 हमारा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। और ऊपर ब्रेकआउट के लिए ये जो लास्ट मंथ का ये जो हाई बना है यानी 11,794 यानी 11,800 पकड़ लेते हैं, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल हो सकता है।
एज पर मंथली चार्ट लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से ये लेवल्स आ रहे हैं। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट में एक पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर बना है और अभी ये जो मूविंग एवरेजेस है शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म ये अभी असेंडिंग ऑर्डर्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी जब तक ये यहाँ से ये जो फॉल आया था लॉन्ग ये बेयरिश कैंडल बना है इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिली। अभी हो सकता है इस रेंज में ऊपर 11,750 और नीचे 11,200 के रेंज में हमें निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखे। फिर एक यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेशन फेज देखने को मिले और उसका जब अपर बैंड ये ब्रेक होगा तभी हमें यहाँ से और तेजी निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकती है। अदरवाइज ये अगर लोअर बैंड ब्रेक करता है तो फर्स्ट एज पर वीकली चार्ट सपोर्ट बन रहा है 10,900 के पास, जो वहाँ जहाँ पर हमने वीकली मंथली चार्ट में भी देखा ये 20 EM है वहाँ पर भी 10,900 के पास आ रहा था। यहाँ पर ये देखिए तो 10,900 एज पर वीकली और डेली वीकली और मंथली चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। तो ये था वीकली और मंथली चार्ट का सीनारियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर पिवट बार रिवर्सल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था। लास्ट के वीडियोस में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके बारे में। तो अभी यहाँ से कोई भी और करेक्शन गहरा था कल देखे तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना है और अगर ये कंटिन्यू होता है कल का लो अगर ब्रेक करता है तो हमें 10,428 के पास फर्स्ट सपोर्ट होगा जो कि 20 EMA का ये पिंक लाइन आपको देखने को मिल रहा है। और जैसे ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है दो स्विंग हाई बने हैं यहाँ पर इस तरह से, अगर ये स्विंग हाईस को ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स में और तेजी हमें यहाँ पर 11,800 की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये था वीकली डेली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल का लो अगर ब्रेक करता है यानी 11,496 को अगर ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। उसी लेवल के पास 50 EMA का ये ब्लू लाइन आ रहा है तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है, इसको अगर ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 11,480 के पास है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,461 जो कि 100 EMA का ये ग्रे लाइन है। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो कल जहाँ पर यह ऊपर जाते वक्त हर्डल फेस कर रहा था आप देख सकते हैं एक पास्ट में भी यहाँ पर इसने हर्डल फेस किया और कल भी इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं दे पा रहा था जहाँ पर ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल आ रहा है। तो 11,570 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,589, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,612, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी डे।